मणिपुर में सिविल वॉर जैसे सिचुएशन पैदा हो गया है। वहाँ शांतिप्रिय जनता थे, ट्राइबल और मैथिली पीपल एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहते थे, वैली में भी भाईचारा से हिल के लोग रहते थे और एक दूसरे के त्यौहार में फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। वहाँ इतना बड़ा भयानक हिंसा हो गया आज, और इसके पीछे सोची समझी हुई साजिश है सिस्टमेटिकली। द वे 200 से ज़्यादा चर्चेस जलाया गया है, उसको एडिट करना, 200 से ज़्यादा चर्चेस जलाया गया है जिसमें मैथिली क्रिश्चियन का चर्चेस है, वो उसको मैथिली लोग नहीं जलाए हैं। जो सरकार के जो दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सरकार ने स्पेशल फोर्स जैसे शायद पावर दिया हुआ है, इसलिए पुलिस उनका कुछ नहीं करता है, वो तो खुलेआम AK-47 लेके सड़क में घूमते हैं और हिंसा कर रहे हैं। सरकार को मान नहीं रहे लोग, सरकार भी चुप है। CM गवर्नर के घर के सामने आग लगा। इस हिंसा को रोकने के लिए और रिलीफ कैंप 209 होने के बावजूद भी वहाँ ठीक से चल नहीं रहा है, लोगों का इवैक्यूएशन सेफ जगह पे हो नहीं रहा है, 1041 गन लूटा जा चुका है और सरकार अभी हर तरह से चुप है, कुछ कर नहीं रहा है। केंद्र सरकार भी उसका जायजा ले नहीं रहा है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली रिलीफ मेजर्स किया जाए, इवैक्यूएशन किया जाए, जो लोगों का जाने गए हैं उनको 20 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए और जो लोग पीड़ित हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए और रिहैबिलिटेशन सब लोगों का, जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए। उसके साथ साथ हम मांग करते हैं कि इस तरह की नफरत जो पैदा कर रहे हैं, फैला रहे हैं सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार राज्य में, उसको बंद करें। केंद्र और राज्य का पॉलिसी अप्रोच डेमोक्रेटिक होना चाहिए, वायलेंट अप्रोच पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। इसको बंद करें और भारत जोड़ो नफरत तोड़ो करें।